हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेली, जो हम लोग मार्केट से बॉक्स खरीदते रहे थे, वो होममेड जेली बनाने वाले हैं। आरू और कूजी दोनों बिल्कुल तैयार हैं जेली बनाने के लिए, और आप देख सकते हैं इसके लिए हमें चाहिए होता है बॉइलिंग वाटर, जिसमें हम लोग कुछ सैशे ऐड करते हैं या क्रिस्टल्स ऐड करते हैं और उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और वो एक बहुत बेहतरीन और स्वादिष्ट जेली बन जाती है हमारे को। तो बच्चों, तुम्हें कैसा लग रहा है अपने हाथ से खुद एक डिश बना कर के, जो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है? मैं तो बनाते ही रहता हूँ। ये देखो, झूठ बोल रहा है। हाँ कुजी, आपको कैसा लग रहा है बेटा? वेरी गुड। देखो, ये है ट्रू एक्सपीरियंस। तो इसमें बाउल में, कांच के बाउल में हम ऐड करने जा रहे हैं। कुजी, क्या डाल रहे हैं हम लोग इसके अंदर, दिखाओ। सैशे और क्रिस्टल्स दोनों इसमें ऐड कर दिए गए हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे, ओके। हाँ, अच्छे से डाल दो, पता चला कि ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है। सारे डाल दिए गए, ओके। नहीं नहीं पैकेट नहीं, पैकेट नहीं। अच्छे से इसको मिक्स कर लो बेटा। आप लोग तो वेरी गुड, वेरी गुड। अरे पानी भी तो ऐड करना है। तो इस इन पाउडर और सैशे को अच्छे से मिक्स कर लिया हम लोगों ने। अब इसमें हम ऐड करेंगे बॉइलिंग वाटर, क्योंकि बच्चे ये काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकी मम्मा इनकी हेल्प करने जा रही हैं। तो हम धीरे धीरे इसमें बॉइलिंग वाटर ऐड करेंगे और धीरे धीरे इसको मिक्स करने के लिए चम्मच से इसको मिक्स कर रहे हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, कितना फैंटास्टिक कलर आया, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी है इसलिए ये रेड कलर में आया है। ये ऑरेंज फ्लेवर, कीवी फ्लेवर में भी आता है। वेरी गुड। अरे स्लोली स्लोली बेटा, स्लोली स्लोली। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें हम लोगों ने 3 कप्स ऑफ वाटर यूज़ किया है इसमें मिक्स करने के लिए, तभी इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आएगी और ये जम जाएगा। तो अब आरव ने पहले कर लिया था, पूजी ने बोला मेरी भी चांस है, मुझे भी बनाना है। तो पूजी, आप देखिए ये अच्छे से मिक्स कर दिया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ रही है इसमें, और ये भी थोड़ी देर में जम जाएगा। हम इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर रख देते हैं। तो ये देखिए, जेली मस्त बन के तैयार हो चुकी है। इसको 15 मिनट्स रूम टेम्परेचर पर रखा, फिर उसके बाद हमने इसको 40 मिनट्स अप्रॉक्स इसको फ्रिज में रखा था, और अभी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। ये थोड़ी थिक भी हो चुकी है, और देख सकते हैं कि हिल भी रही है, कितनी टेम्पटिंग और टेस्टी लग रही है। कैसा लग रहा है बच्चों? सो ठीक है, इसको कट करके अपनी अपनी कटोरियों में ले करके खाओ और बताओ कैसा टेस्ट है इसका। ये फ्लफी है। ओके okay. बच्चों ने अपनी अपनी कटोरियों में जेली ले ली है, अब खा के बता रहे हैं कैसी आ रही टेस्ट में। मुँह में घुल गई है एकदम सॉफ्ट। खुशी कैसी है? वेरी गुड। तो आप इसको 10 में से कितने पॉइंट्स दोगे टेस्ट में? 100। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आपने भी जरूर ये जेली खाई होगी किसी और टेस्ट में, हमें बताइएगा। हम लोग इसकी और किसी फ्लेवर का जरूर वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना। बाय फ्रेंड्स।